सुपर फूड्स हैं हमारे पास जो किडनी को ढाल की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। और आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक दिन में लगभग 200 लीटर 200 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारी किडनी फिल्टर करती है। वो केवल हमारी मुट्ठी के बराबर है, और 200 लीटर ब्लड जो है वो एक दिन में फिल्टर करती है। जब भी सेहत की बात आती है तो हम सब हार्ट के बारे में सोचते हैं, ब्रेन के बारे में सोचते हैं, लीवर के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो बिना रुके काम करता रहता है और सेहत के लिए बहुत जरूरी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है वो नहीं जा पाता है। और उस ऑर्गन का नाम है किडनी। जी हाँ, किडनी एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो बैक स्टेज में क्रू मेंबर की तरह काम करता है, जो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि शो बिना रुकावट चलता रहे। हेल्थी के लिए, हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी दो किडनियां जो हमारे एक राइट और एक लेफ्ट साइड पर होती हैं। किडनी डिजीज जो है वो आजकल बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। हेल्दी किडनी को हेल्दी रखने के लिए भी एक अच्छा तरीका है हमारे पास। जो हेल्दी किडनी है वो डिजीज ना हो, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है डाइट। सुपर फूड्स हैं हमारे पास जो किडनी को ढाल की तरह प्रोटेक्ट करते हैं और तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। जो किडनी हमारी बॉडी में फिल्टर की तरह होती है ना, वो 24 घंटे काम करती है। और आपको जान के बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक दिन में लगभग 200 लीटर 200 लीटर्स ऑफ ब्लड हमारी किडनी फिल्टर कर। और यह बात इसलिए भी बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो दोनों किडनी जो 200 लीटर एक दिन में फिल्टर कर रही हैं, इनका आकार जो होता है वो केवल हमारी मुट्ठी के बराबर हो, मुट्ठी के बराबर ऑर्गन और 200 लीटर ब्लड जो है वो एक दिन में फिल्टर कर। किडनी के बहुत सारे फंक्शन है बॉडी में, लेकिन मोटा मोटा अगर बात करें तो ब्लड को फिल्टर करती है किडनी, बीपी को कंट्रोल करती है किडनी, खून बनाने का काम करती है, हॉर्मोन्स को रेगुलेट करती है किडनी। तो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो पूरी बॉडी को उसका दंड भोगना पड़ता है। तो किडनी हेल्दी रहे इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब किडनी खराब होती है तो क्या होता है, बहुत सी बार बॉडी में सूजन आ जाती है, बॉडी में थकान होती है, आंखों के आसपास सूजन होती है, पेशाब भी अगर कम होने लगता है, पेशाब में प्रोटीन आने लगते हैं, सांस लेने में भी बहुत बार तकलीफ होने लग जाती है। तो जरूरी है कि किडनी की देखभाल की जाए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, यू आर वॉट यू ईट, आप वही हैं जो आप खाते हैं। किडनी के लिए यह बहुत सटीक कहावत है क्योंकि जो हम रोज खा रहे हैं ना, वही हमारा किडनी पे जाके वही वैसी ही किडनी बन जाती है और किडनी की एफिशिएंसी उसके अनुसार हो जाती है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर समझाऊं तो जैसे अगर नमक ज्यादा खा रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किडनी पे इम्पैक्ट है। जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं या फिर स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तो भी किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आता है और किडनी जो है वो खराब होने की तरफ बढ़ने लगी। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे किडनी के लिए कुछ टॉनिक बताने जा रहा हूँ, किडनी के लिए कुछ बहुत दमदार टॉनिक। अगर हम उनको फॉलो करें, उनका पालन करें, हेल्दी जो लोग हैं उनको किडनी हेल्दी रखने के लिए क्या क्या करना है। नंबर वन, जी हाँ, जिसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते, वो है पानी। पानी जो होता है वो किडनी के लिए बहुत बेहद जरूरी होता है, और सही अमाउंट का पानी पीने से और सही मात्रा में पीने से किडनी की एफिशिएंसी बढ़ती है, बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर आराम से निकलते हैं। लोग पूछते हैं कि किडनी के कितना पानी पीना चाहिए, तो अगर आपने सही से पानी पी रहे हैं तो आपकी किडनी हेल्दी रहती है, लेकिन अगर आपने एक दो महीने ये गड़बड़ कर दी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन अगर लॉन्ग रन में आपने को इग्नोर कर दिया कि पानी कितना पीना है, कैसे पीना है, तो किडनी पे इम्पैक्ट आने की संभावना बनी रहती है। तो इसका एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कितना पानी पीना चाहिए। कोई इसमें एक फिक्स नंबर नहीं है, लेकिन एक बहुत ईजी तरीका क्या है कि अगर आप देखें, अगर आपको बिना किसी दवाई के अगर आपका यूरिन येलो आ रहा है तो समझ जाइए कि आप कम पानी पी रहे हैं। अगर आप नॉर्मल खाते पीते हैं, नॉर्मल खाने पीते हैं और आपका यूरिन जो है वो लाइट येलो कलर का है या स्ट्रॉ कलर का है या फिर व्हाइट कलर का है, तो समझ जाइए कि आप ठीक पानी पी रहे हैं। तो बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर आप पानी ठीक पी रहे हैं, अगर डार्क येलो यूरिन आ रहा है तो आप पानी कम पी रहे हैं, तो पानी आपको ठीक मात्रा में पीना है। दूसरी चीज जो है वो है क्रैनबेरी। जनरल ऑफ यूरोलॉजी में एक रिपोर्ट छपी है जिसके अनुसार यूरिन के इन्फेक्शन को रोकने का काम करती है क्रैनबेरी। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो गुर्दे को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अगर डेली बेसिस पे 100 ml अनस्वीटेंड क्रैनबेरी जूस, बिना चीनी वाला क्रैनबेरी जूस लिया जाए तो गुर्दे के लिए बहुत फायदा करता है। जूस के बजाय आप कई बार ऐसा भी ले सकते हैं कि ड्राइड क्रैनबेरीज ले रहे हैं, या क्रैनबेरी को आप ओट्स में, दलिये में, खीर में डालकर भी ले सकते हैं।
लेकिन बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड वहां पे मैंने यूज किया, उसका नाम है अनस्वीटेड। एडेड शुगर वाला क्रैनबेरी नहीं लेना है। क्रैनबेरी जूस जो बहुत सी बार मार्केट में आते हैं, बहुत सारे उसमें एडेड शुगर्स होते हैं, वो अवॉइड करना है। क्रैनबेरी आजकल इजीली उपलब्ध है ग्रोसरी स्टोर्स पे, ई कॉमर्स के द्वारा भी आप क्रैनबेरी को मंगा सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉनिक और सुपर फूड है किडनी के लिए, रेड बेल पेपर, लाल शिमला मिर्च। ये क्या होता है, इसके अंदर होता है पोटेशियम जो है ना वो कम होता है। पोटेशियम कम होने के कारण ये किडनी के लिए फायदेमंद है, लेकिन साथ साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है। और ये विटामिन क्या करते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमारी किडनी को। एंटीऑक्सीडेंट हमारी किडनी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। तो डाइट में अगर हफ्ते में एक बार भी हम रेड बेल पेपर ले लें, सब्जी बना के ले लें, पका के ले लें, भून के ले लें, या फ्राइड करके ले लें, या सिर्फ सॉटे करके भी खा सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। लेकिन एक बात है कि ये थोड़ी सी महंगी आती है, थोड़ी सी कॉस्टली होती है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको जरूर लीजिए, नहीं कर सकते तो बहुत सारे अन्य चीजें हैं जो आप लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। टेस्ट में भी ये काफी अच्छी होती है। चौथी चीज जो सुपर टॉनिक है किडनी के लिए वो है पत्ता गोभी। देखिए क्या होता है कि जो बढ़िया वेजिटेबल्स होती है ना, ये एक बहुत बढ़िया वेजिटेबल्स है उनमें से, उसमें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स की कैटेगरी में ये आती है। इसमें पोटेशियम जो है वो कम होता है, साथ साथ इसमें बहुत प्रकार के फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से किडनी को प्रोटेक्ट कर। रिसर्चेस में पता चला है कि पत्ता गोभी खाने से किडनी की हेल्थ इंप्रूव होती है। पत्ता गोभी की सब्जी बना के खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, उबाल के ले सकते हैं, या उसको सैलेड की फॉर्म में भी ले सकते हैं। पांचवी चीज जो किडनी के लिए सुपर टॉनिक है वो है ब्लूबेरीज। ये न्यूट्रिशनल पावर हाउस है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं ब्लूबेरी में, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कंट्रोल करती है, इसे किडनी को प्रोटेक्ट करती है, और स्ट्रेस किडनी में जो स्ट्रेस होता है उसको किडनी को प्रोटेक्ट करती है ब्लूबेरी, और सूजन भी किडनी में जो है उसे भी कंट्रोल करके चलती है। इसको आप स्मूदीज की फॉर्म में ले सकते हैं, दलिये में ले सकते हैं, खीर में ले सकते हैं, और इसको ऐसे भी आप ले सकते हैं कि टेस्ट में भी अच्छी होती है। और एक अच्छी बात यह है कि डायबिटीज जो पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट जो है, वो भी ब्लूबेरी का सेवन कम मात्रा में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक नेचुरल शुगर है, इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, इससे आपकी मीठे की क्रेविंग भी कम रहेगी और किडनी को प्रोटेक्शन भी मिलेगी। छठी चीज है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, और जो स्पेशली जो ऐसे प्रांतों में रहते हैं जहां पे नॉन वेजिटेरियन चीजों का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए छठी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली। स्पेशली जो वेस्ट बंगाल और इस साइड के जो सी कोस्ट वाले एरियाज हैं, जहाँ पे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसमें, मछली में, जो इन्फ्लेमेशन को कम करती है और बीपी को भी कंट्रोल रखती है, कम रखती है। किडनी में जो है कम संभावना होती है स्टोन बनने की अगर मछली का रेगुलर प्रयोग किया जाता है, तो हफ्ते में या 10 दिन में एक या दो बार आप इसका ले सकते हैं। ये अच्छा काम करती है किडनी को हेल्दी रखने के लिए। किडनी पेशेंट को ये नहीं लेना है, जो हेल्दी लोग हैं उनकी किडनी को हेल्दी रहे, उनको डैमेज ना हो, उनके लिए ये चीजें हैं। सातवीं चीज है प्याज और लहसुन। ये भी किडनी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, और साथ साथ ये जो है हेल्दी भी रखते हैं किडनी को, किडनी की एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं। अगर इनका मेडिसिनल फॉर्म में यूज करना हो तो लहसुन की 2 कलियां लेकर उनको सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है, तो इनका मेडिसिनल यूज होता है। और दूसरी चीज जो है वो है प्याज। प्याज जो है वो कच्चा खाली पेट लें, सैलेड में लें, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है एज कम्पेयर टू आप पका कर ले रहे हैं या भून कर ले रहे हैं या तड़के की फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो कम फायदा। एंड आठवीं चीज है जो किडनी के लिए बढ़िया है सुपर टॉनिक है, वो है एप्पल। An apple a day keeps the doctor away. जी हाँ, सेब जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कब्ज को दूर करता है, किडनी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो एक एप्पल डेली खाने से काफी फायदा होता है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, एप्पल जो हो वो आप प्रेफरेबली छिलके के साथ लीजिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं छिलके में। एंड नेक्स्ट जो है वो है एग वाइट। जो भी नॉन वेजिटेरियन हैं लोग, उनके लिए क्या होता है कि दूसरे प्रोटीन के मुकाबले एग वाइट्स में कम फास्फोरस होता है। फास्फोरस कम होने के लिए किडनी के लिए फायदेमंद रहता है। इसमें प्रोटीन और अमाइनो एसिड जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इस कारण से किडनी को हेल्दी रखने के लिए ये अच्छे रहता है। क्योंकि देखिए, डाइट में जिसमें फास्फोरस की कमी हो और प्रोटीन की हाई क्वालिटी हो, किडनी को फायदेमंद रहेगा। उबले हुए अंडे की सफेदी का प्रयोग किडनी के लिए फायदेमंद। नेक्स्ट जो चीज है वो है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। जी हाँ, ये दिल के लिए बहुत अच्छा है, गुर्दे के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो होता है ऑलिक एसिड होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी जो सूजन को कम करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, किडनी को हेल्दी
रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ साथ जरूर ध्यान रखिए कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ और चीज़ों का आप आवश्यक ध्यान रखें। इसे नींद को प्रॉपरली लिया जाए, अल्कोहल को, टबैको को कम या बिल्कुल बंद किया जाए, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइजेज जो है इस प्रकार की चीज़ें की जाए। नमस्कार।